हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम सॉल्व कर रहे थे 2018 में हुए KVS म्यूज़िक पेपर को, जिसमें कि हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। लास्ट के तीन वीडियो हमने जो सॉल्व किए हैं, उसमें हम लोगों ने KVS म्यूज़िक पेपर का जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया है। आज हम उसी के आगे यानी कि उसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर मैं क्विज़ और PDF को अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की वीडियो में हम 111 से लेके 130 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 111। शंकर राव शंकर पंडित का संबंध किस घराने से था? आगरा, जयपुर, ग्वालियर या पंजाब? शंकर राव पंडित जो थे वो ग्वालियर घराने से संबंधित थे। इनका संबंध ग्वालियर घराने से था। इनके जो प्रमुख शिष्य की बात करें तो राजा भैया पूंछ वाले इनके जो है शिष्य थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 112 है, दक्षिण ताल पद्धति में संकीर्ण जाति के लघु की कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें बताना है कि जो दक्षिण ताल पद्धति में जो जातियां होती हैं, तो उसमें संकीर्ण जाति के लघु की कितनी मात्राएं होती हैं? 4 मात्रा, 7 मात्रा, 5 मात्रा या 9 मात्रा? दक्षिण ताल पद्धति में संकीर्ण जाति के लघु की जो है 9 मात्रा होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 9 मात्रा। दक्षिण ताल पद्धति में संकीर्ण जाति की 9 मात्रा लघु की होती है, और मिश्र जाति में जो है 7 मात्रा होती है लघु की। ये मिश्र जाति 7 मात्रा, चतस्थ जाति में चार मात्रा होती है, खंड जाति में जो है 5 मात्रा होती है, और तिस्त्र जाति में होती है 3 मात्रा लघु की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 9 मात्रा, कि दक्षिण ताल पद्धति में संकीर्ण जाति के लघु की 9 मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 113 है, तोड़ी में किन स्वरों को वर्जित किया जाए कि मुल्तानी का आरोह मिले? यानी कि तोड़ी राग के स्वरों में किन स्वर को वर्जित किया जाए कि हमें मुल्तानी राग के आरोह का स्वरूप मिले? कोमल रे शुद्ध पा, कोमल गा शुद्ध दा, कोमल रे तीव्र मा शुद्ध पा, या कोमल रे और कोमल धा। तो तोड़ी के स्वरों में अगर हम कोमल रे और कोमल धा को वर्जित कर देंगे तो हमें मुल्तानी का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, मुल्तानी का आरोह मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोमल रे कोमल धा। क्वेश्चन नंबर 114 है, मत्त कोकिला वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है? 21, 24, 27 या 14? मत्त कोकिला वीणा में जो है जो तारों की संख्या होती है वो होती है 21। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 21। मत्त कोकिला वीणा की रचना किसने की हुई है? तो इसकी रचना की हुई है भरत मुनि जी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 21। क्वेश्चन नंबर 115 है, ताल रूपक में प्रथम खंड कितनी मात्रा का होता है? 2, 3, 4 या 5? जो रूपक ताल होती है वो 7 मात्रा की ताल होती है, और इसका जो प्रथम खंड होता है वो 3 मात्रे का होता है। प्रथम खंड 3 मात्रे का, द्वितीय खंड 2 मात्रे का, और तृतीय खंड 2 मात्रे का होता है। इस प्रकार इसकी जो है 7 मात्रा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3। क्वेश्चन नंबर 116, राग अड़ाना के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? कोमल गा, म, कोमल धा या रे? तो राग अड़ाना जो कि आसावरी ठाट का राग है, अड़ाना जो राग है वो आसावरी ठाट का राग है, और अड़ाना राग जो है सारंग अंग से गाया जाता है।
इसलिए सारंग अंग के जितने भी राग होते हैं उसमें अधिकतर जो है गंधार वर्जित होता है। इस प्रकार इसका भी सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, कोमल गंधार। किराग अराना में जो है गंधार आरोह में वर्जित स्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 117, मध्यम ग्राम का श्रुति विभाजन क्या है? 4, 7, 9, 13, 16, 20, 22 या 4, 6, 10, 12, 15, 20, 22 या 1, 8, 12, 16, 18, 20, 22 या 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21 का जो श्रुति विभाजन है वो है 4, 7, 9, 13, 16, 20, 22। इसका तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन एक, कि चौथी श्रुति पर जो है सरज होता है, सातवीं श्रुति पर ऋषभ होता है, नौवीं श्रुति पर होता है गंधार, तेरहवीं श्रुति पर होता है मध्यम, सोलहवीं श्रुति पर होता है पंचम, बीसवीं श्रुति पर होता है धैवत और बाईसवीं श्रुति पर होता है निषाद। तो इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, 4, 7, 9, 13, 16, 20, 22 जो है मध्यम ग्राम का श्रुति विभाजन है। 118 नंबर प्रश्न है कि नाद ब्रह्मवाद में विशुद्धि चक्र स्थित है कंठ में, हृदय में, जिह्वा में या भावों के बीच। तो नाद ब्रह्मवाद में जो विशुद्धि चक्र होता है वो कंठ में स्थित होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, कंठ में। क्वेश्चन नंबर 119 है कि वीणा पर पर्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मतंग ने, भरत ने, दत्तिलम ने, लालमणि मिश्रा जी ने। तो वीणा पर जो पर्दों का सर्वप्रथम जिन्होंने प्रयोग किया है वो है मतंग मुनि जी। मतंग मुनि ने वीणा पर पर्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इनका जो ग्रंथ है, इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? इन्होंने बृहद्देशी ग्रंथ की रचना की हुई है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मतंग मुनि जी। क्वेश्चन नंबर 120 है कि ये जो दिए गए स्वर समूह है इसको पहचानना है और बताना है कि ये किस राग को इंगित करते हैं, देसी राग को, गौर सारंग को या फिर शंकरा को या मालगुंजी को। तो ये जो दिया गया जो स्वर समूह है ये गौर सारंग राग को इंगित कर रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा, गौर सारंग। गौर सारंग जो है कल्याण ठाट का राग है, कल्याण ठाट का राग है गौर सारंग। देसी की अगर बात करें तो देसी जो है आसावरी ठाट का राग है, देसी आसावरी ठाट का राग है। शंकरा बिलावल ठाट का राग है, शंकरा बिलावल ठाट का राग है और मालकुंजी जो है वो काफी ठाट का राग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, गौर सारंग। क्वेश्चन नंबर 121, किस ग्रंथ में रस सिद्धांत की चर्चा की गई है? नारदीय शिक्षा, दत्तिलम, बृहद्देशी या नाट्यशास्त्र? भरत मुनि द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है नाट्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र में ही रस सिद्धांत की चर्चा की गई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा, नाट्यशास्त्र। नारदीय शिक्षा की जो रचना है वो की हुई है नारद मुनि ने, नारद जी ने इसकी रचना की हुई है। दत्तिलम की दत्तिल ने की हुई है और बृहद्देशी की, जैसे मैंने अभी आपको बताया पहले कि मतंग मुनि ने बृहद्देशी की रचना की हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 122, अमीर खुसरो ने कौन सा राग निर्माण किया है? अमीर खुसरो ने किस राग का निर्माण किया हुआ है? सरपर्दा, हंस ध्वनि, नट भैरव या कौसी कन्हड़ा का? तो अमीर खुसरो ने जिस राग का निर्माण किया हुआ है वो है सरपर्दा राग। क्या आप बता सकते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले के, उत्तर प्रदेश राज्य है, एटा जिला है, एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था, पटियाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन एक, सरपर्दा, कि अमीर खुसरो ने जो है सरपर्दा राग का निर्माण किया था।
क्वेश्चन नंबर 123, किस विधा की संगत तबले पर की जाती है? ध्रुपद, ख्याल, धमार या प्रबंध? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ख्याल। ख्याल विधा की संगत जो है तबले पर की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा ख्याल। क्वेश्चन नंबर 124, संगीत सुधाकर किस ग्रंथ की टीका है? नाट्यशास्त्र, बृहद्देशी, संगीत रत्नाकर या संगीत पारिजात? तो संगीत सुधाकर जो है वो संगीत रत्नाकर ग्रंथ की टीका है। इसका सही आंसर ऑप्शन थ्री हो जाएगा संगीत रत्नाकर। इसकी रचना जो है शारंग देव जी ने की हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर। संगीत पारिजात की अगर बात करें तो इसकी रचना जो है अहोबल जी ने की हुई है। इसकी रचना बृहद्देशी की मतंग मुनि ने की हुई है। और नाट्यशास्त्र की भरत मुनि ने इसकी रचना की हुई है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन तीन हो जाएगा संगीत रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 125, दो या अधिक स्वरों के एक साथ बजाने पर उत्पन्न कर्कश ध्वनि को क्या कहते हैं? वक्र ध्वनि, डिसोनेंस, स्वरित या खंड? तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा कि जब दो स्वर या अधिक स्वरों को एक साथ बजाते हैं तो कर्कश ध्वनि जो उत्पन्न होती है उसे डिसोनेंस कहते हैं। डिसोनेंस के कारण जो है हमें कर्कश ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका सही आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा डिसोनेंस। क्वेश्चन नंबर 126 है, कौन सी ताल जोड़ी में समान मात्रा की है? इसमें कुछ तालें दी हुई हैं, उनकी मात्रा को देखते हुए बताना है कि कौन सी जोड़ी है जो समान मात्रा की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिताल और तिलवाड़ा ताल की। तो दोनों में ही जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार इन दोनों का ये पहला ही आंसर सही हो जाता है कि त्रिताल 16 मात्रा की, तिलवाड़ा 16 मात्रा की। और बाकी सभी देख लेते हैं। रूपक ताल जो होती है वो 7 मात्रा की ताल होती है। चौताल जो है वो 12 मात्रा की ताल होती है। झप ताल जो है 10 मात्रा की होती है। तीव्रा जो है 7 मात्रा की ताल होती है। अड़ा चौताल जो है 14 मात्रा की ताल होती है। और सूल ताल 10 मात्रा की ताल होती है। इस तरह से अगर आप देखें तो ये सभी जो है असमान है, लेकिन जो पहला है ऑप्शन वो समान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, त्रिताल और तिलवाड़ा ताल। क्वेश्चन नंबर 127 है, जोगिया का वादी संवादी क्या है? म स, प स, स म या स प? मध्यम षड्ज, पंचम षड्ज, षड्ज मध्यम या षड्ज पंचम? तो जोगिया जो कि भैरव थाट का राग है, इसका वादी और संवादी जो है वो है मध्यम और षड्ज। क्वेश्चन नंबर 128, किस राग में दोनों गंधार और निषाद का प्रयोग होता है? छायानट, जय जयवंती, बहार या मियां मल्हार? तो दोनों गंधार और दोनों निषाद का प्रयोग जिस राग में होता है वो है जय जयवंती राग। जय जयवंती जो राग है वो खमाज थाट का राग है। इसका सही आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा जय जयवंती। मियां मल्हार जो है ये काफ़ी थाट का राग है, बहार भी काफ़ी थाट का राग है, और जो छायानट जो है वो कल्याण थाट का राग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो जय जयवंती, जिसमें कि दोनों गंधार और निषाद का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 129, जाति गायन में कितनी विकृत जातियां थीं? 9, 18, 11 या 17? जाति गायन में जो विकृत जातियां थीं वो थी 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री 11। क्वेश्चन नंबर 130 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, भातखंडे ताल लिपि में एक मात्रा में एक से अधिक वर्ण लेने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये चार चिन्ह दिए हुए हैं, इसे आप देखकर बता सकते हैं किसका प्रयोग किया जाता है। तो भातखंडे ताल लिपि में जो है एक मात्रा में अगर एक से अधिक वर्ण हम लेते हैं तो उसके लिए जो है ये अर्धचंद्र का जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, अर्धचंद्राकार का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने इस 2018 में हुए KVS म्यूज़िक पेपर का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। इसे आप लोग देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर इन क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर कि मैं इस वीडियो का PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट और अंतिम पार्ट के साथ। तब तक के लिए रिविज़न करते रहिए। थैंक यू।